यहाँ पर लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र मानकर उन पर वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो पहले इसी कंडीशन को फॉलो कर देते हैं, दो वृत्त को स्पर्श कराते हुए खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से वृत्त खींचा गया है, यहाँ पर चार वृत्त, लेकिन ये वृत्त खींचे कहाँ गए हैं? याद रखिएगा ये वर्ग के शीर्ष पर खींचे गए हैं। कहाँ खींचे गए हैं? वर्ग के शीर्ष पर। और इस वर्ग की जो भुजा दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। इन चारों वृत्त के अंतः स्पर्श करने वाला, देखो यहाँ पर एक हम लोग ऐसे वृत्त खींच सकते हो जो इसको बाहर स्पर्श करे, और यहाँ पर एक छोटा सा खींचा जाएगा जो इसको अंदर अंदर से स्पर्श करे। इसी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस छोटे वाले क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको सीधे से मिला देते हैं। तो ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है ए रेल टू। ए मतलब क्या? वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितना दिया है? 24 और कितना? रूट टू सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? इसका पूरा ये आ गया, विकर्ण आ गया। अब हमको निकालना है इस छोटे वाले का त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए देखें ये पूरा, अगर ये पूरा कितना है? 24 है, तो ये इतना कितना होगा? 12। तो 12 ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 12 12 24। 24 अगर मैं इस पूरे में घटा दूंगा तो ये इसका व्यास मिल जाएगा, और आधा कर देंगे क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। बहुत टीचर इसका ट्रिक व्रिक हटा देते हैं, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़ो, आसानी से देखो ये आसानी से निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में से 24 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? इसका व्यास निकल गया। आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 12 √2 - 1। ये क्या आ गया? रेडियस आ गया इस छोटे वाले का। अब इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को पाई आर का मान इतना रखेंगे, आर का स्क्वायर कर दे 12 ·144। यहाँ पर रूट टू का मान रख देते हैं 1.414। कितना? 1.414। जब रखेंगे एक घटा देंगे उसमें बचेगा 0.4, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे पाई को पाई 144 अपनी जगह, इसका होता है 0.14। 16 × 64 6 बच गया, 16 × 64 6 = 70। कितना आएगा? 7 केरी आ जाएगा, 7 × 6 = 23 आ जाएगा, 23.04 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे को कह सकता है बाहर से स्पर्श करे, तो यहाँ से एक इसको सेंटर मान के एक बाहर से हम लोग वृत्त बनाएंगे जो इसको इसे क्या करेगा? बाहर बाहर से स्पर्श करे। तो इसका अगर निकालने का बोले तो सीधे हचाक से 12 इसमें जोड़ दो, 12 इसमें इधर जोड़ दो, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा कितना दे रखा है? 1/10 मीटर हो, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो ये छोटका वाला है क्या है? बड़का वाला, बड़के वाले में छोटका वाला समा जाएगा, कितने समाएंगे यही पूछा है। तो भैया दोनों का क्षेत्रफल है, मैंने क्षेत्रफल को ही ना कवर करेगा, अगर बड़के वाले में छोटा वाला वर्ग रखेंगे तो क्या करेगा? उसका क्षेत्रफल ही कवर करेगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं, इसमें नंबर ऑफ एन से गुणा कर देते हैं, नंबर मतलब कितना वर्ग उसमें समाएगा। तो एन और इसका क्षेत्र, इसको क्या, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1/100 भुजा का स्क्वायर होता है ना, 1/100। एन क्या? कितने वर्ग समाएगा? किसमें? 4 वाले में। 4 × 16 इसका वर्ग कर दिए, एन बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1600। एक के लाइन का आंसर आ गया, तो ये कितना आ गया? 1600 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक वर्ग की चारों भुजाओं पर क्या है? एक वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तो एक वर्ग बनाओ आप सिंपल सा, ये क्या हो गया? वर्ग। इसकी चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ऐसे एक अर्धवृत्त इधर हो जाएगा, एक अर्धवृत्त कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो कह रहा है पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालो, जबकि ये भुजा कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। आप देखोगे मैं इसको आधा कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितना आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इस आधा और इस आधा को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन गया, और ये कितना हो गया? 2 वृत्त बन गया। तो 2 πr², पाई को पाई आर स्क्वायर का मान 7 है, तो 7 × 7 रख देते हैं, प्लस ये वाला क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। वर्ग का
क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है, कितना दे रखा है 14, 14 कवर करेंगे 196 आ जाएगा। पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे, एक 7 7 कैंसिल हो जाएगा और इसका 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया मल्टीप्लाई 11 196, इससे गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 दो 10 हो गया और ये 3 हो गया प्लस में 196, इसको जोड़ देंगे 8 6 14 हो जाएगा, 9 10 हो गया, 4 एक 5 आ गया, कितना आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, कितने क्या कह रहा है, कह रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक रेखाखंड ये है एक रेखाखंड ये है, कह रहा है तो बड़ी वाली रेखाखंड की लंबाई जबकि बड़ी वाली रेखाखंड छोटी से 2 सेंटीमीटर बड़ी है, अगर इसको ए मान ले तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस 2। अब इसी पे क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया है, वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है 32 कह रहा है, तो बड़ी वाली रेखाखंड बड़ी वाली रेखाखंड की लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई पूछा है तो बड़ा आसान है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों में कितने का अंतर है 32 का, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जैसे यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, कहोगे हाँ 2 आ गया, और जैसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस में 2 बराबर में कितना 32, इसको ये काट दिया कितना बचा 16, 2 घटा दिया कितना बचा 14, 2 से भाग लगा दिया कितना आ गया 7, a बराबर कितना आ गया 7, a में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।